के सरगना की संपत्ति की नीलामी क्या हुई, पाकिस्तान में छुपा दाऊद इब्राहिम बुरी तरह से बौखला गया। उसके बौखलाहट इस बात से साफ पता लगाई जा सकती है कि उसके गुर्गे अब फोन करके धमकी दे रहे हैं। जी हां, दाऊद ने अपने गुर्गे के जरिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ी धमकी दी है। गुर्गे ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि मोदी सरकार दाऊद इब्राहिम को छू भी नहीं सकती है। क्या साल 1993 के मुंबई धमाके की घटना भूल गई? इसको दोहराना पड़ेगा क्या? तो देखा आपने, यहाँ दाऊद की प्रॉपर्टी नीलाम हुई और वहाँ दाऊद की नींद उड़ गई। नीलाम हुई संपत्ति में डॉन का रौनक अफरोज होटल, डांबर वाला बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस शामिल है, जिसे अब सैफी बुरहानी ट्रस्ट ने खरीद लिया है। अपनी प्रॉपर्टी पर किसी और का कब्जा देख दाऊद ने बुरहानी ट्रस्ट को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। धमकी भरे लफ्जों में दाऊद ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी संपत्ति को किसी ने भी छेड़ने की हिमाकत भी की तो उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वैसे डॉन की इन तीन संपत्तियों को बुरहानी ट्रस्ट ने 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब मोदी सरकार दाऊद का कुछ बिगाड़ सकती है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि मोदी के राज में दाऊद को भारत में अपनी बनाई जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।